हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं हम लोग सेलिसबरी के रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ से हम लोग को स्टोनहेंज के लिए बस लेना है। वो जो ग्रीन बस अभी मैंने दिखाया ना, वो ग्रीन बस में बैठना है। उससे पहले हमें टिकट लेना ज़रूरी है। या तो आप टिकट ऑनलाइन वेबसाइट पर ले सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, नहीं तो ये रेड बस में वो जो ड्राइवर बैठा है वो टिकट्स दे देता है। तो हमने वहाँ से ही लिया, रेड बस से लिया और ये हमारा टिकट है। कुछ प्राइस पड़ा था 39 pounds पर पर्सन, तो हमने वही ले लिया। और ये ग्रीन बस में हमें जाना है, अभी कुछ हाफ एन आवर का जर्नी होगा। इसके साथ हम लोग को ये हेडसेट दिया गया है, और क्योंकि बस में ना कुछ ऑडियो रहेगा हिस्ट्री, इन लोगों की हिस्ट्री के बारे में, तो वो सुनने के लिए हमें ये हेडसेट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा बस का ट्रिप कैसा रहता है। तो हेडसेट लगाने का ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हेडसेट लगा सकते हो, और ये जो दूसरा बटन है यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो अगर आप वो केबल लेके आए हो। तो ये फैसिलिटी था बस में। तो देखिए, बस से मैं प्रॉपर व्यू तो नहीं निकाल पाई क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था और काफ़ी लोग बैठे हुए थे बस में। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था बस से व्यू देखना। हॉर्स दिख रहे थे, कहीं कहीं पर शीप, वही शीप दिख रहा था। तो बस हमारा बस जर्नी 30 minutes का ख़त्म हो गया थोड़ी ही देर में। चलिए, आ गए हम लोग स्टोनहेंज के पास। मतलब एकदम स्टोनहेंज के पास नहीं, लेकिन जो स्टोनहेंज के पास का जो स्टॉप है वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे रिफ़्रेश होने के लिए कैफ़े था, वॉशरूम था। तो यहाँ पे आप अंदर जाने से पहले जो स्टोनहेंज के लिए ना और भी एक 1-2 kilometers है अंदर जाने के लिए, तो वहाँ अंदर में ना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब वॉशरूम वो सब चीज़। तो अगर आपको अंदर जाने से पहले ही चले जाना बेस्ट है। और ये विजिटर सेंटर है यहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग निकले सीधा बस लेने के लिए। एक छोटा सा बस का ट्रिप है, बस वही लेके हम लोग फिर स्टोनहेंज के पास पहुंच जाएंगे। देखिए, ऑलमोस्ट हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और हम सब लोग एक ही क्यू में चल रहे हैं। दूसरा साइड का जो क्यू है वो जो लोग वापस स्टोनहेंज देके वापस जा रहे हैं उनका क्यू था, और हम लोग यहाँ एक साइड से हम लोग जा रहे थे। तो देखिए, थोड़ी ही देर में आप लोगों को दिख जाएगा स्टोनहेंज। हम लोग बहुत मतलब एक्साइटेड हो गए उसको देख के। तो वेरी ब्यूटीफुल, दूर से भी ना बहुत अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे काफ़ी ओपन फील्ड है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा था। उस दिन वेदर भी मतलब ठीक ठाक ही था, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था वेदर, बट स्टिल इट वाज फाइन। ये देखिए, अब स्टोनहेंज दिख रहा है दूर से। अगर आप लोग यूके घूमने आए हैं या फिर आप लोग यूके में रहते हैं और अगर आप लोग स्टोनहेंज नहीं गए, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर जाइए। आई हाईली रिकमेंडेड। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इनका स्ट्रक्चर इज़ लाइक जस्ट अमेजिंग। हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग इतने साल से यूके में रह रहे हैं, लेकिन हमें रिव्यूज़ यही मिला कि स्टोनहेंज में कुछ ऐसा खास है नहीं। मे बी बिकॉज ऑफ द प्राइस, क्योंकि प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव था। उससे अगर आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि यार हम लोग कहाँ आ गए, बट इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, इट वाज वेरी नाइस, इट्स वर्थ टू गो देयर। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रिप स्टोनहेंज का। और फिर वापस आने के लिए ना आपको फिर से यही जो रेड बस होता है वही उसी में जाना होता है। तो उससे पहले हम बस के लिए टाइम था, तो हमने कहा कि चलो विजिटर सेंटर्स में घूम लेते हैं। ये विजिटर सेंटर में ना बहुत सारे अलग अलग सोवेनर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे स्टोरेज वाला हमने भी एक लिया था। तो हमने मैग्नेट लिया था, और यहाँ पे बहुत स्टोरेज के रिलेटेड हिस्ट्री वाले बुक्स जो होते हैं वो है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारा ट्रिप। तो आप लोग ये सब चीज़ें कहा, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है ये सब चीज़ें, बट एक दो चीज़ें लाइक इस टाइप के मतलब सोवेनर्स तो एक लेना बनता ही है भाई, इतना दूर आए हैं तो।
हाँ, अगर आप अगर अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे कहीं स्टे कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसे आप ये सनराइज़ और सनसेट, वो जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो आप लोग देख पाओगे। तो बस वहाँ से हम लोग निकले और फिर थोड़ा सा हमने कैफ़े में थोड़ा सा यू नो पेस्ट्री कॉफ़ी वो सब ले लिया था, थोड़ा टाइम पास किया। और फिर उसके पास ही ना ये हट्स हैं, यहाँ पे 3-4 हट्स हैं। तो कहा जाता है कि इस हट्स में जिन लोगों ने या जो वर्कर्स या लेबरर्स जो भी थे उस टाइम पे जिन्होंने स्टोनहेंज बनाया, वो लोग यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे वो लोग कैसे रहते थे उसका रिप्लिका यहाँ पे दिखाया है, जैसे ये उनका बेड है, ये उनका घर है, वो कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे। तो ये बच्चों को ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनका स्टोरीज सुनने में उनके बारे में, जस्ट लाइक ना कोई अर्ली मैन का। हमारे जर्नी में कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।